हम 10,000 रुपए का सहयोग अपनी तरफ से यहाँ पर महाजन की तरफ से आप लोगों को, क्योंकि ये आंदोलन बिना सहयोग के बिना पैसे के नहीं चलेगा। और हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो भी आंदोलन का हिस्सा बने, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। समाज के जो भी प्रमुख साथी भाई और बहन यहाँ आए हैं, आप सबका आभार और धन्यवाद है। रविदास मंदिर को तोड़े जाने के मैं अपना रोष प्रदर्शन करने आज महासंघ संत, आज चौथे दिन संतों का जो सांकेतिक धरना चल रहा है अनिश्चितकालीन, उसमें महासंघ के जो पदाधिकारी हैं माननीय बी एस भारती जी और माननीय के पी चौधरी साहब आज अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं अनिश्चितकालीन सांकेतिक धरना चल रहा है। केपी चौधरी जी अपने पूरे डेलीगेशन के साथ इस धरने का समर्थन देने के लिए आए हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ पूरी संगत की तरफ से। श्री केपी चौधरी जी अपना पूरा टीम लेके हमारे बीच में पहुंचे हैं, तो मैं अभी क्योंकि लंगर चल रहा है तो मैं उनको भी प्रार्थना करूंगा, पहले लंगर छकने फिर हम आगे कार्रवाई शुरू करेंगे। श्री चौधरी जी करने की कोशिश कर रही है, तो कल संत बागमारे जी और उनकी पूरी टीम जो कनाट प्लेस का मुख्यालय वहां पर बैठे थे, कल बड़ी लंबी चर्चा हुई है। शर्तें भी हमारे समाज की होंगी और मंदिर भी हमारे तरीके से बनेगा, ये कल तय हुआ संत बागमारे जी के नेतृत्व में। पिछले दिनों जो आंदोलन अपना हुआ, अपनी जिम्मेदारी लगाई गई, तो जो भी लोग देश और विदेश से आए उनके भोजन की व्यवस्था वहां पर सफलतापूर्वक की गई। और आज भी क्योंकि ये आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के लिए हम 10,000 रुपए का सहयोग अपनी तरफ से यहाँ पर महाजन की तरफ से आप लोगों को, क्योंकि ये आंदोलन बिना सहयोग के बिना पैसे के नहीं चलेगा। और हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो भी आंदोलन का हिस्सा बने, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। समाज के जो भी प्रमुख साथी भाई और बहन यहाँ आए हैं, आप सबका आभार और धन्यवाद है। और जब तक ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे संतों की सत्य पर ये हमारा तुगलकाबाद का मंदिर पुणे स्थापित नहीं होगा, तरीके से नहीं बनेगा। और सरकार की भागीदारी और सरकार की हिस्सेदारी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। एक बार मैं संत समागम का पूरा आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते तन का मन का धन का हर प्रकार का सहयोग इस हमारे संतों के साथ, इस आंदोलन के साथ जो भी जिम्मेदारी हमारी लगाई जाएगी, जब जब भी हमें कोई जिम्मेदारी दी जाएगी उसका पूरी ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ में निर्वहन किया जाएगा। जय गुरुदेव, जय भीम। समता आवाज टीवी की आपसे गुजारिश है, समता आवाज टीवी को जीवित रखने के लिए, समता आवाज टीवी को बचाने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उसके बराबर में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी जो नई अपडेट्स है वो आपको तुरंत मिलती रहे। समता आवाज की आपसे पुनः गुजारिश है, समता आवाज टीवी की हर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।